छापरू नगर चौक में रविवार की शाम को करीब 5 बजे एक अनियंत्रित कार ने जमकर कोहराम मचाया। कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी। कार की चपेट में आने से 4 लोग जख्मी हो गए, ऐसी जानकारी सहायक पुलिस निरीक्षक स्मिता सोनवणे द्वारा दी गई। 3 मामूली रूप से जख्मी हुए, जबकि 1 व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी। बेकाबू कार रोड डिवाइडर पर चढ़ने के बाद बंद हो गई। इस घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसमें सवार 4 युवकों की भीड़ पिटाई करने की फिराक में थी, तभी पुलिस पहुंच गई और चारों बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार का चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा था। हादसे में गोपी सोन कुसरे नामक व्यक्ति के सिर और दाहिने कंधे में गंभीर चोट लगी है। घायल गोपी सोन कुसरे को मियो अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही लकड़गंज थाने की ऑफिसर सोनवणे सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। सोनवणे ने बताया कि कार में सवार 4 लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें मियो अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि कार में शराब की बोतलें थी। लकड़गंज पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वर्णा गाड़ी आहे, ती तुटी सिग्नल बंद होता। त्यांनी येतानी राइट साइडला लेफ्ट साइडला टर्न घेतला, त्यावेळी त्याला तो टोल त्याला सांभाळता आला नाही। त्यांनी त्या हॉटेलजवळ जे गाड्या पार्किंगला लागलेल्या होत्या त्यांना थोडी खराश केलेली आहे। त्यानंतर एका व्यक्तीला वाचवायच्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी डिवायडरवर गाडी घेतली आणि समोर जो एक व्यक्ती होता ॲक्टिवा घेऊन त्याला थोडं डॅश मारली, त्याच्यामुळे ते ॲक्टिवा पण समोर फेकल्या गेली आणि ॲक्टिवाला पण लागलेलं आहे आणि व्यक्तीला थोडं किरकोळ मारा। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपूर।